Assalamualaikum dear students, hope you are all fine and good in health. Class KG 1 ki students, open your Urdu book and book page number 9. Book page number 8 तक आपको last time काम करवा दिया गया था. आज से जो start करेंगे वो हम page number 9 से. प्रूफ तहजी का जो next अल्फाज है वो है हुर्फ जो है जीम. बावाज बुलंद पढ़ें और लिखें. आपने इसे बावाज बुलंद भी पढ़ना है और साथ साथ काम को लिखना भी है. जीम 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 से जहाज. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पैटर्न बताया गया आपको कि आपने जीम को किस तरह लिखना है. एरो आपको नजर आ रहा है और डॉट्स के साथ आपको दो नजर आ रहे हैं. इस एरो की मदद से इस डॉट को स्टार्ट यहाँ से आपने करना है. पहले इसकी इस तरह अष्टकार बनानी है और इसके बाद इसकी शेप आपने इस तरह ले आनी है. आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है कम्प्लीटली तौर पर. इस डॉट पर आके वाइंड अप कर देना है और बीच में एक नुक्ता लगा देना है जीम. दोबारा से देखिएगा, इस एरो की मदद से डॉट से आप स्टार्ट करेंगे और इस शेप में आपने इस तरह लेकर आना है और इस डॉट पर आपने आके वाइंड अप करना है नुक्ता बीच में जीम जीम. एरो की मदद से स्टार्ट करना है, डॉट से स्टार्ट करेंगे और इस शेप में लेकर आएंगे नुक्ता एक जीम. अगेन डॉट से स्टार्ट करेंगे, एरो की मदद से आपने इस शेप में लेकर आना है और नुक्ता बीच में जीम. आपने इसे लिखना है. आप लिखने का तरीका देखिएगा. आप यहाँ पे अपने इस डॉट से स्टार्ट करना है. एरो की मदद से पहले आपने इस तरह शेप देनी है सीधी और फिर आपने तिरछा नीचे से आपने इस तरह कर देना है और इस डॉट पर आके वाइंड अप कर देना है जीम. दोबारा से डॉट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप इस तरह तिरछी शेप देंगे और एक नुक्ता जीम इस शेप में और इस डॉट पर आके वाइंड अप करना है जीम. पहले इस एरो से स्टार्ट करेंगे और फिर इस शेप में लेकर नीचे से लेकर आएंगे जीम. सो डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 9 पर जो था जीम, सेम इसी तरह यही अशकाल है क्योंकि जीम चे और इसके आगे के जितने भी हुर्फ हैं वो एक ही खानदान के हैं. जीम चे सिर्फ चेंजिंग जो है आपकी नुक्तों की है. जिम में एक नुक्ता आपने लगाना था, चे में आपने दरमियान में तीन नुक्ते लगाने हैं. आगे जो पेज नंबर 11 पर है हे भी आपने सेम उसी तरह ही करना है जिस तरह आपने जिम की शक्ल बनाई थी. चे की भी उसी तरह करनी है, आगे हे की भी. हे में कोई भी नुक्ता नहीं आता इसलिए आप इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दीजिएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 खे के ऊपर आप एक नुक्ता लगाएंगे, जीम की ही शक्ल बनाएंगे जैसे जीम की आपने शेप बनाई थी उसी तरह करेंगे और ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे खे. इसके बाद आपने जब ये काम कर लेना है तो आपने ये काम करना है पेज नंबर 13 पर. पेज नंबर 13 पर जो है वो है तस्वीर देखकर सही हुर्फ पर दायरा बनाएं और रंग भरें. जैसे कि अभी हमने काम जो किया है जीम चे हे और खे, हमने इसी के साथ ही जो हुर्फ से जो लफ्ज़ बनता है जो तस्वीर बनती है हमने उसके ऊपर दायरा बनाना है और साथ साथ ही आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी. आपने कलर्स के साथ सर्कल बनाना है, दायरा बनाना है. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, खे हे जीम और साथ जो तस्वीर बनी हुई है वो एक खरगोश की है. तो खरगोश किससे आएगा, खे से. तो आपने क्या कर देना है, खे से खरगोश आपने उसके अंदर इस तरह आपने कलर कर देना है या फिर दायरा बना देना है. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, खे से खरगोश. इसके बाद जो नेक्स्ट है जीम हे चे और आगे देखिएगा तस्वीर जो बनी हुई है वो हुक्के की बनी हुई है. तो हुक्का जो है किससे आएगा, ना तो जीम से आएगा ना तो चे से आएगा, किससे आएगा, हे से. तो आपने हे के ऊपर सर्कल बना देना है और इसके अंदर रंग कर देने हैं और आपने इस तरह सर्कल में कलर कर देने हैं. नेक्स्ट जो है वो है हे जीम चे. तो आगे जो तस्वीर बनी हुई है वो चिड़िया की बनी हुई है. तो चिड़िया जो है ना तो हे से आएगी ना जीम से, तो चिड़िया चे से आएगी. तो आपने चे के ऊपर सर्कल करने के बाद उसके अंदर साफ सुथरे नीट एंड क्लीन कलर कर देने हैं. नेक्स्ट जीम सॉरी चे जीम खे. तो ये तीन हुर्फे और साथ क्या बना हुआ है, जहाज. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो जहाज किससे आएगा, ना तो चे से आएगा
ना ही खे से आएगा जहाज, जीम से आएगा। तो आपने जीम पे सर्कल बनाना है और फिर इसके अंदर आपने रंग भर देना है। तो ये पेज नंबर 13 पे आपका जो काम था, तस्वीर देखकर सही हर्फ पर दायरा बनाएं और रंग भरें, ये आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है आपका पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पर जीम के खानदान की मश्क करें और बावाज बुलंद पढ़ें और लिखें जीम चे हे फे। ये एक ही अशकाल के हैं, एक ही शक्ल के हैं, इसलिए ये जीम के खानदान कहलाते हैं। इसे आपने लिखना भी है और साथ साथ बावाज बुलंद पढ़ना भी है। नेक्स्ट पेज नंबर जो 15 है, 15 पर आपने अलिफ से खेत तक बावाज बुलंद पढ़ें, हाथ फेरें और मश्क करें। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको कंप्लीट ये काम करवा दिया था, अलिफ से से तक, अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से। और आज की जो क्लास हुई थी वो जीम चे हे खे, ये आपने इनके ऊपर ट्रेसिंग करनी है और इसके साथ साथ आपने इनको लिखना भी है और साथ साथ बावाज बुलंद भी पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 9 से बुक पेज नंबर 15 तक आपने ये काम करना है। नेक्स्ट क्लास हम पेज नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अब हम कॉपी पे वर्क करेंगे, सो ओपन योर कॉपी एंड पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर जो है जीम बावाज बुलंद पढ़ें और लिखें। आपने इन तमाम जितना भी कॉपी पे आज का वर्क करवाऊंगी उनके ऊपर तारीख, कॉपी पे तारीख लिखनी है आज की। और इसके साथ साथ जिस तरह आपको बुक में मैंने जो समझाया था जी चे हे नेक्स्ट खे, ये एक ही खानदान के हैं जीम चे हे और खे, आपने इन्हें कॉपी पर ही लिखना है। जिस तरह बुक में समझाया था उसी तरीके से ही आपने करना है। इसके बाद जब मैंने आपको बुक एक्टिविटी करवाई थी कि आपने तस्वीर देखकर सही हर्फ पर दायरा बनाना है, तो जिस तरह जिस हर्फ से जो लफ्ज जो तस्वीर का हर्फ बनेगा आपने उसके ऊपर कलर कर देना है या दायरा कर देना है। जिस तरह पहला था खे से खरगोश, दूसरा हे से हुक्का, चे से चिड़िया और जीम से जहाज। सेम बुक वाला ही पैटर्न है, आपने इसको करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 15 पर आपने जीम के खानदान की मश्क करनी है, इसे बावाज बुलंद पढ़ना है और साथ साथ लिखना भी है जीम चे हे खे। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर अलिफ से खे तक आपने बावाज बुलंद पढ़ना है और इसके साथ साथ आपने हाथ भी फेरने और मश्क करनी है और आज की तारीख भी लाजमी लिखनी है अलिफ बे पे ते टे से। और इसके साथ जो आज का काम है जीम चे हे खे, आपने ये काम यहाँ पे कंप्लीट करना है। कॉपी वर्क और बुक वर्क आपने कंप्लीट कर लेना है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।